हाय, मेरा नाम है कनिष्का और तुम मेरे साथ लद्दाख तो वैसे ही घूम ली हो। चलो तुम्हें पीछे कुछ दिनों में अपने साथ ऋषिकेश लेकर चलती हूँ। ऋषिकेश का एक ऐसा दिन जो मिस हो गया और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए था, क्योंकि आज मैं आ चुकी हूँ अपनी जान की बाजी लगाने के लिए विद जंपिंग हाइट्स, यानी कि बंजी जंपिंग करने के लिए। ओ माई गॉड, ऋषिकेश के अंदर ये पहला एक ऐसी जगह मुझे लगी जहाँ मुझे ट्रस्ट दिलाया गया इस बात का कि भाई तू कूदेगी तो सही पर मरेगी नहीं। यहाँ पे मैं जितने आराम से सुन रही हूँ ना इंस्ट्रक्शंस को, पर सच बताऊँ मेरे दिमाग में 1% भी कुछ नहीं जा रहा। इस पे चेहरे पे सीरियसनेस देख रहे हो? ये सीरियसनेस नहीं है, ये सिर्फ ये है कि मेरे बाद में मेरी चीज़ें किस किस को बांटी जाएगी। अब ये नहीं समझ आ रहा था मुझे, बट ऑल द वे मैं रैम पे पहुंच गई। ये रैम पे पहुंचने के बाद में जो तो तैयारी हो रही थी ना, ये तैयारी जंग से कम की तैयारी नहीं लग रही थी। हर चीज़ की सिक्योरिटी चेकिंग ऑल इन ऑल, यहाँ से 3 सिक्योरिटी चेक होकर निकलते हैं और बाद में तुम्हें इतना हंसाते हैं कि तुम्हें पता ही नहीं, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा कटने वाला है। और इसी नर्वसनेस के साथ में मैं भी आगे बढ़ी थी और मेरे सवालों के जवाब इनके पास नहीं थे। इन मेरे अंदर का तो एंकर जाग गया था, पर इनको नहीं पता था। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 3 2 1 पे बोलेंगे फेंकेंगे, और इन्होंने जब फेंका, ओ माई गॉड, पहले के 20 सेकेंड तो मेरी हालत ख़राब हो गई, पर बाकी के उस टाइम की बात तो मैं इंजॉय कर रही थी। मुझे लग रहा था बार बार ये झूला है और झूला लो मुझे। बट ऑल इन ऑल इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बहुत सेफली तरीके से करवाया, मेरे चेहरे का ग्लो देख कर पता ही लग जाएगा। इन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया जो मैंने अपने घर में लगा रखा है। और तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग भी जाओ ना जल्दी से जंपिंग हाइट्स के साथ में, ट्राई करो।